हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचरा की नॉनस्टिक कढ़ाई की। और यही साइज मैं बता दूं आपको, 3.5 लीटर का जो साइज है वो काफी पहले से डिमांड में था। और एक्स्ट्रा डीप मॉडल इंडक्शन बेस होना, मतलब मैं कह सकता हूं कि काफी बेहतर ऑप्शन आ चुका है हम लोगों के लिए अपने डोमेस्टिक किचन के लिए। अगर हमारी स्मॉल फैमिली है या मीडियम साइज फैमिली है, दोनों के लिए 3.5 लीटर की कढ़ाई काफी ज्यादा यूटिलिटी भरी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, फ्यूचरा हॉकिंग्स का एक कुकवेयर ब्रांड है जो कि काफी बेहतर नॉनस्टिक और हार्ड की रेंज देता है। यहां पे आज हम बात करने वाले हैं नॉनस्टिक फ्यूचरा के नॉनस्टिक की, तो उसमें दो तीन बहुत बेहतर फीचर्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि पहले जो इसमें मटेरियल यूज किया गया है, ये हार्ड एनोडाइज यूज किया गया है, उसके ऊपर इन्होंने पेटेंटेड जर्मन PFOA फ्री नॉनस्टिक कोटिंग कर रखी है जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है। मगर इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, इसमें आपको वुडन स्पैचुला ही चलाना पड़ेगा, इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिए। और एक प्रिकॉशन और जरूर लेना होता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हमारा फूड मटेरियल इस टाइप के सर्फेस में रेडी हो जाता है तो उसके बाद उसको निकाल के जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो गरम गरम में ही अगर आप किसी टॉवल से पोंछ देंगे तो ये कोटिंग हमेशा के लिए ड्यूरेबल रहेगी और कभी आपको नुकसान नहीं करेगी। और एक चीज और बता दूं, कभी भी अगर कढ़ाई हमारी ये वाली जो जैसे इस टाइप की कढ़ाई हम यूज कर रहे हैं, अगर ये गर्म होती है तो इसको डायरेक्टली आप कोल्ड वाटर में या वाटर शॉक नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से कोटिंग खराब नहीं होती है। तो जरा इसका अगर मैं आपको शेप दिखा दूं तो शेप थोड़ा डिटेल में इसका देखिएगा, यहां पे आपको थोड़ा सा डीप शेप मिल जाता है और यहां पे जो कर्वेचर दे दिया है फ्यूचरा ने, ये काफी ज्यादा मुझे एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फीचर लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्पैचुला चलाना काफी आसान हो जाएगा। और इसमें हम ग्रेवी की वजह से, मतलब जैसे ग्रेवी वाली जो रेसिपीज होती हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से कुक कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, लेस ऑयल में जो कुकिंग करनी है तो इस टाइप की कढ़ाई आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। अब यहां पर आपको 4 रिपीट्स मिल गई है, मेरे हिसाब से ये रिपीट्स कुछ ज्यादा ही दे रखी है इन्होंने, बट ये है कि अगर फ्यूचरा ने दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा हैंडल की ड्यूरेबिलिटी को देखते हुए। और ये नॉनस्टिक है तो इस चीज से परेशान ना होइए कि यहां पे आपकी गंदगी चिपकेगी। उसका तरीका ये होता है, जब कढ़ाई गर्म हो तब इसको पोंछ दीजिएगा टॉवल से ढंग से, तो कभी भी यहां पे गंदगी या फैट डिपॉजिट नहीं होगा। और एक चीज और बता दूं, ये वाली कढ़ाई आपको मिल जाती है गैस इंडक्शन बोथ में, मतलब ये वाली कढ़ाई आपको गैस में, इंडक्शन में, हॉट प्लेट पे, हेलोजन पे, सब पे कंपैटिबल होती है। और ये जो शेप और डिजाइन दिया हुआ है 3.5 लीटर में है। और एक चीज मैं आपको खास बात फ्यूचरा की और बता दूं कि फ्यूचरा में 1.5 लीटर से लेकर 4 लीटर तक में काफी वैरायटी ऑफ नॉनस्टिक मिल जाते हैं, जिसमें ओनली गैस की रेंज भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपको लगता है कि इस टाइप का फ्लैट बॉटम आपको नहीं चाहिए, आपको कर्व्ड बॉटम चाहिए जो कि सिर्फ गैस स्टोव पे यूज हो, तो वो कढ़ाइयां भी हर साइजेस में अवेलेबल है। बट यहां पे अगर आपकी मल्टीपर्पज कुकिंग है, गैस, इंडक्शन, हीटर, सेरेमिक, सब पे अगर आप सोचते हैं कि मल्टीपर्पज कुकिंग हो जाए, तो ये कढ़ाई आपके लिए बहुत परफेक्ट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके हैंडल की। तो यहाँ पे जो हैंडल दिया हुआ है काफी ज्यादा ड्यूरेबल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे साइड में आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाता है। और यहाँ पे जो फ्यूचरा का अपना एक कह सकते हैं कि एक डिजाइन है, वो है यहाँ पे रोजवुड हैंडल। ये क्या होता है, ऑयल लगने से, पानी रखने से ये लकड़ी फूलती नहीं है, खराब नहीं होती है। तो ये काफी ज्यादा मुझे लगता है कि एक उन्होंने जो अपना एक काफी पहले से दे रहे हैं, तो हम और आप अगर फ्यूचरा के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इस टाइप के हैंडल से काफी यूजफुल रहेंगे। और यहाँ पे बाहर की तरफ से देखिए, रिपीट्स को भी मैं इजिली आपको दिखा देता हूँ। और मैं बताऊँ कि कभी भी हैंडल से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आते हैं, पर बस एक मुझे इसमें डाउट लगता है कि इसमें बहुत सारी रिपीट्स जो दी हुई हैं, इसका इतना ज्यादा नहीं था। अगर 2 रिपीट्स भी दे देते तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेहतर रहता, बट यह है कि अगर फ्यूचरा ने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। और इसमें अब बात कर लेते हैं इसकी लिड की। तो ये कढ़ाई विद लिड, विदाउट लिड दोनों में अवेलेबल होती है, बट यहां पे अगर आप इसकी लिड लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, वो ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस टाइप की लिड और सेम इसी शेप की लिड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहां पे यह है कि इसमें डोम शेप की लिड दी हुई है, फ्यूचरा की ब्रांडिंग दी हुई है, और यहां नीचे की तरफ से कोई भी स्क्रू नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट फिनिशिंग दी हुई है, जिसकी वजह से क्लीन करना आसान है, प्लस ड्यूरेबिलिटी हैंडल की ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ढंग से यूज करते हैं तो ये लिड जो है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल और बहुत अच्छी तरीके से सालों चलेगी। तो अगर आप एक नॉनस्टिक का ऑप्शन देख रहे हैं और बेहतर क्वालिटी का नॉनस्टिक लेना चाहते हैं, तो फ्यूचरा ये हॉकिंग्स का जो कुकवेयर आते हैं तो उसकी काफी अच्छी रेंज है, और साथ ही साथ ये मिल जाता है 2 साल वारंटी के साथ। और ये है 2 साल गारंटी का, 2 ईयर्स का। और यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है, और यहाँ पे देखिए एक नंबर दिया रहता है जो कि फ्यूचरा का, मैं कह सकता हूँ आपकी कढ़ाई का एक यूनिक नंबर होता है। ये हर कढ़ाई का यूनिक नंबर अलग होता है, जिसकी वजह से बिल्कुल एश्योर्ड हो जाती है कंपनी की ये आप ही की कढ़ाई है और ये आप ही का ही ये गारंटी कार्ड है, जिसकी वजह से कंपनी को गारंटी देने में आसानी हो जाती है। अब एक प्रिकॉशन की और बात करते हैं, अगर कभी भी फ्यूचरा में आपको यूज करना है तो एक तो इसमें वुडन स्पैचुला चलाइएगा, और वॉश करने के लिए
लिए नॉनस्टिक के लिए इस टाइप का स्क्रबर सबसे अच्छा होता है, जिसको आप बहुत इजीली इसको स्क्रब करके इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई और स्क्रबर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ये फ्यूचरा के नॉनस्टिक की रेंज के साथ मिलता है। और इसके साथ एक आपको वुडन स्पैचुला भी मिल जाता है जो कि आपके यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब एक बार इसका पूरा डिटेल शेप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट फ्यूचरा का डिटेल शेप है जो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि विद लिड विदाउट लिड जो MRP होती है इसकी, वो भी अभी मैं इसके आगे आपको बता देता हूँ। तो ये एक प्रॉपर शेप है विद लिड और ये विदाउट लिड का। तो ये देखिए विदाउट लिड भी जो मेरे को यहाँ पे कर्वेचर जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये काफ़ी हेल्प करेगा ग्रेवी की सब्जी बनाने में। और एक चीज़ और मेरे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, ये देखिए दो MRPs दी हुई हैं, एक विदाउट लिड दी हुई है और विद SS लिड दी हुई है। तो ये दोनों जो MRPs दी हुई हैं यहाँ पे मैं आपको फिर मेंशन कर देता हूँ, 1975 जो MRP है ये विद स्टेनलेस स्टील लिड है और 1665 की जो MRP है विदाउट लिड होती है। तो अगर इन्हीं दोनों को अगर आपको परचेज करना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है जहाँ पे इस पे डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलेंगे। तो अगर ऑल ओवर इंडिया में आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो वो लिंक आपके लिए ऑथराइज और वैलिड है, जहां से आप फ्यूचरा के कुकवेयर्स बेहतर तरीके से ओरिजिनल कुकवेयर्स आप ले सकते हैं। और सिर्फ यही कढ़ाई नहीं, ये तो 3.5 लीटर की नॉनस्टिक कढ़ाई है जिसका मैंने लिंक आपको दे दिया है, बल्कि फ्यूचरा की जो गैस में ओनली गैस में यूज होने वाली जो कढ़ाई है उसका भी लिंक मैंने दे रखा है और इंडक्शन बॉटम का भी अलग अलग साइज में लिंक दे रखा है। तो अगर आपकी यूटिलिटी छोटी या बड़ी कढ़ाई की है तो वो भी ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता है कि इस टाइप की कढ़ाइयां काफी यूजफुल है आपके लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस हम डेली बेसिस पे लाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे अच्छे यूटेंसिल्स आपको रिव्यू करके दें जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से। तो अगर आपको ये कढ़ाई पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लखनऊ लोकल्स की फैमिली के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग us.